फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन दिस चैनल। मेरे पास तो हम लोग सीजल का मैथमेटिक्स का 100 सेट्स का एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट 6 का बात करेंगे, जो कि आपका सीजल टायर 1 4th मार्च 2020 का होगा और थर्ड शिफ्ट का होगा। मेरे पास तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं आपका। देखिए यार, इफ sec थीटा + tan थीटा = p और थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच बोल रहा है, तो बोल रहा है p स्क्वायर - 1 p स्क्वायर + 1 का वैल्यू निकालना। अगर मेरे पास तो इस क्वेश्चन को फार्मूला वाइज चलते हैं, तो फार्मूला हमको क्या करना होगा, इसका फार्मूला अप्लाई करना होगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज टू क्या 1। यहाँ से क्या सेक प्लस टेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरा आएगा क्या वैल्यू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज टू क्या 1 बाय पी हो सकते हैं क्या। तो मेरे पास अगर फॉर्मूला वाइज इसको डील करेंगे तो होगा क्या, कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन देते हैं मेरे पास, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या पी स्क्वायर प्लस 1 डिनोमेटर का वैल्यू नोमेटर वैल्यू के वैल्यू से ग्रेटर देन हो रहा है क्या, पी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन पी स्क्वायर माइनस 1 के वैल्यू से ग्रेटर देन हो रहा है क्या। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले, ऑप्शन को कैंसिल करने वाले परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बेसिस पे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर भी क्या होगा हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद करते हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस व हाइपोटेनस। अब मेरे पास तो जो भी वैल्यू निकालेंगे इसका मेरा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही दे रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं हाइपोटेनस का वैल्यू ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस होने वाला है क्या। मींस मेरे पास तो जिसका वैल्यू क्या बेस का वैल्यू मेरा ग्रेटर दे रहा, मींस क्या डिनोमेटर वैल्यू ग्रेटर दे रहा, तो डिनोमेटर वैल्यू ग्रेटर किसका होने वाला है, या तो साइन का होगा या तो कॉस का होगा। कॉसेक और सेक का तो मेरा नहीं होने वाला, सॉरी कॉसेक का तो नहीं होने वाला। अब मेरे पास जब भी तरह क्वेश्चन देते हैं तो हम लोग करेंगे क्या, थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं थीटा का वैल्यू होगा जो 0 डिग्री पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट कर लेंगे क्या मेरा तो कुछ भी, मींस अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करें तो sec 0 मेरा क्या होगा 1 होगा क्या, और tan 0 क्या होगा 0 इक्वल टू p, तो p का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 1। 1 पे इसका वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, 0 बाय समथिंग मेरा क्या आएगा 0 ही आएगा, 1 प्लस 1 क्या तो 0 आ रहा है। 0 किसका होने वाला है, sin 0 0 होता है क्या, cos 0 0 होता है, तो sin 0 मेरा क्या होता है 0 होता है, cos 0 तो 1 होता है, मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्या इसका सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करते हैं। सेकंड में आपका क्या दे रहा है, द कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। मेरे पास तो एक सर्कल दे रहा है उसका कॉर्ड ए बी और सी डी दे रहा है। मेरे पास तो जब भी इस तरह का कॉर्ड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता है, या फिर इन साइड इंटरसेक्ट करे या फिर आउट साइड इंटरसेक्ट करे क्या, आपका दो कॉर्ड दे रहा है ए बी दे रहा है, क्या दे रहा है ए बी दे रहा है, और क्या दे रहा है सीडी दे रहा है, सीडी कॉर्ड आपका दो दे रहा है। मान लेते ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इन साइड इंटरसेक्ट करे या फिर आउट साइड इंटरसेक्ट करे, मेरे पास तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है क्या, ई ए मल्टीपल ई बी क्या, ई ए मल्टीपल ई बी इक्वल टू क्या ई डी मल्टीपल ई सी करेंगे, क्या करेंगे ई डी मल्टीपल ई सी करने वाले क्या, ई डी मल्टीपल ई सी। अब मेरे पास तो ई का वैल्यू 12 दे रहा है क्या, उसके बाद ई बी का वैल्यू क्या दे रहा है 20.25 दे रहा है क्या, उसके बाद ई डी, ई डी इक्वल टू क्या दे रहा है, ई डी इक्वल टू 3a। अगर मेरे पास तो ई डी का वैल्यू क्या, या फिर सीई का वैल्यू क्या करते हैं, सीई का वैल्यू एक्स करते, तो डी ई का वैल्यू क्या होगा एक्स बाय 3 हो जाएगा क्या, इसको एक्स करेंगे तो इसका वैल्यू क्या एक्स बाय 3 हो जाएगा, तो एक को एक्स करेंगे तो दूसरा क्या आने वाला एक्स बाय 3 आने वाला, इसको सोल्व करते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 12 × 36 मल्टीपल 20.25, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट 6 होगा, इसका स्क्वायर रूट मेरे पास तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या 45 हो रहा है क्या, तो 0.45 हो जाएगा क्या, तो इसका वैल्यू मेरा क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते 6 × 6 = 24 और 3 कितना 27, तो मेरा क्या आने वाला 27 सेंटीमीटर, या फिर इन साइड इंटरसेक्ट करें या फिर आउट साइड, दोनों का फॉर्मूला हम क्या करेंगे सेम अप्लाई करेंगे, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं। देख रहा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 101, तो बोल रहा है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। अगर मेरे पास तो इसको भी फॉर्मूला वाइज चलते हैं तो क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और क्या होता है सी ए होता है। अगर मेरे पास तो फॉर्मूला वाइज देंगे तो ए बी बी सी सी ए का हमको क्या करना होगा, वैल्यू निकालना होगा, जो कि आपका वैल्यू ना दे रहा। अब यहाँ पे देखने पास तो करते क्या, दो इक्वेशन दे रहा है, क्या दे रहा है टू इक्वेशन दे रहा है, थ्री वेरिएबल दे रहा है, एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी लेट कर लेते हैं क्या, जब भी कुछ भी लेट करने का बात आएगा मेरे पास तो सबसे पहले क्या करने वाले जीरो लेट करेंगे, तो अगर हम जेड इक्वल टू क्या कर लेते हैं जीरो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जेड इक्वल टू जीरो, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्या, इसका पूरा वैल्यू जीरो होने वाला है, इसका वैल्यू पूरा क्या होने वाला है जीरो होने वाला है। मीन्स अब पूछ क्या रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू मेरे पास तो क्या होता है ए प्लस बी क्या, ए प्लस बी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
स्क्वायर माइनस क्या ए भी होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है। अब मेरे पास तो दे क्या रहा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रहा है थ्री दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वैल्यू क्या दे रहा है वन जीरो वन दे रहा है। अब क्या एक्स वाई का वैल्यू निकालना, तो इसी को मेरे पास तो अगर स्क्वायर कर लेता है स्क्वायरिंग बहुत सारे तो होगा मेरा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू क्या नाइन, तो टू एक्स वाई इक्वल टू क्या नाइन, नाइन माइनस वन हंड्रेड वन आ रहा है क्या, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा माइनस फोर्टी सिक्स आ रहा है क्या, इसको माइनस करेंगे क्या नाइनटी टू आएगा, नाइनटी टू को हाफ क्या आएगा माइनस फोर्टी सिक्स, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं माइनस फोर्टी सिक्स रख लेते हैं क्या, तो आ क्या रहा है थ्री मल्टीपल क्या रहा वन फोर सेवन आ रहा क्या, इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसका क्या थ्री आएगा, इसका क्या इसका मेरे पास तो क्या रहा है चतिया वाला नौतिया सत्ताईस, तो स्क्वायर रूट क्या होगा थ्री और सेवन, तो थ्री और सेवन का क्या ट्वेंटी वन हो जाएगा क्या, मेरा आंसर क्या होने वाला ट्वेंटी वन होने वाला। आई थिंक यह क्वेश्चन इस प्रोसेस से हम लोग यहाँ तो क्या होगा सिंपली हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, अगर मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर फोर का बात करते हैं, क्या रहा है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो पूछ रहा है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर का इनवर्स, तो इसको मेरे पास तो इस तरह लिख सकते हैं क्या थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस इनवर्स मीन्स क्या वन बाय फोर एक्स का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू वन, इसी का तो वैल्यू मेरे पास तो पूछ रहा था, इसका वैल्यू किस तरह निकालते हैं, अगर हमको दिया हुआ रहता है क्या एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ रहता है, तो ए स्क्वायर प्लस वन वाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू, और जो कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट से हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास तो इसको भी उस फंक्शन में क्या करते हैं लाते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं क्या, हमको यहाँ पे क्या लाना है थ्री लाना है, तो थ्री लाने के पास तो क्या करना होगा फोर एक्स से डिवाइड करना हो क्या, तो इसको फोर एक्स डिवाइड करते हैं फोर एक्स डिवाइड करते हैं और क्या फोर एक्स डिवाइड करते हैं, तो इधर भी क्या कर लेते हैं फोर एक्स डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास क्या एक्स से एक्स कैंसिल होगा थ्री एक्स आ जाएगा क्या, इसको क्या वन बाय फोर एक्स बोल सकते हैं क्या, इधर माइनस में तो इधर आगे क्या होगा मेरे पास तो प्लस में बोल सकते हैं ट्वेंटी वन बाय फोर, अब इसी का वैल्यू तो ए प्लस वन बाय ए का वैल्यू दे रहा है समथिंग दे रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस टू बोल सकते हैं क्या, तो ए स्क्वायर तो क्या ट्वेंटी वन बाय फोर का होल स्क्वायर माइनस टू, अब ए कोफिशियंट जो रहेगा कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कोफिशियंट थ्री दे रहा है यहाँ पे कोफिशियंट फोर दे रहा है, तो कोफिशियंट को हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब मेरे पास तो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो होगा क्या फोर फोर वन बाय सिक्सटीन माइनस सिक्स बाय फोर हो रहा है क्या, अब इसको क्या फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एलसीएम मेरा क्या आ रहा है सिक्सटीन आ रहा है क्या, तो फोर फोर वन माइनस क्या ट्वेंटी फोर हो रहा है क्या, ट्वेंटी फोर माइनस करेंगे तो क्या वन फोर वन सेवन बाय सिक्सटीन आ रहा है क्या, तो ये तो मेरा क्या होने वाला आंसर हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में बोलते हैं फाइव में क्या दे रहा था एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज, रेगुलर हेक्सागन का एरिया दे रहा है, तो मेरे पास तो रेगुलर हेक्सागन किससे बनता है सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलकर के बनता है क्या, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड का स्क्वायर, हेक्सागन दे रहा है तो मीन्स क्या सिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका एरिया क्या दे रहा है टू फोर डबल जीरो रूट थ्री दे रहा है क्या, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल छह चौक चौबीस, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सोलह सौ, तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है फोर्टी आ रहा है क्या, तो ए का वैल्यू फोर्टी मीटर आ गया। अब मेरे पास तो बोल रहा था कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग फील्ड एट द रेट ऑफ सिक्सटीन पॉइंट एट रुपीज पर मीटर, अब फेंसिंग फेंसिंग कहाँ करने वाला उसका पेरीमीटर पे क्या, तो पेरीमीटर क्या होता है सिक्स इंटू साइड होता है, तो साइड क्या दे रहा है फोर्टी, और बोल रहा है उसका टोटल कॉस्ट क्या होने वाला, तो वन मीटर का कॉस्ट सिक्सटीन पॉइंट एट दे रहा है, तो इतना का क्या हो जाएगा इतना रुपीज हो जाएगा क्या, इन मेरा तो पूछ रहा है पॉइंट से क्या करेंगे जीरो। अब मेरे पास तो मल्टीप्लाई ना करके इसका यूनिट यूज देता है सिक्स दे रहा है फोर दे रहा है टू दे रहा है एट दे रहा है, अगर सिक्स मल्टीपल फोर करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फोर फोर हो रहा है क्या, और फोर मल्टीपल एट करेंगे तो फोर मल्टीपल एट करेंगे तो लास्ट में क्या होगा टू होगा, तो लास्ट में मेरा टू आने वाला, तो टू किसका यूनिट दे रहा है केवल क्वेश्चन नंबर क्या ऑप्शन नंबर थर्ड का दे रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर, मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का बात करते हैं, दे रहा है क्या इन ट्रायंगल एबीसी, अब ट्रायंगल एबीसी दे रहा है क्या दे रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, आपका क्या दे रहा है ए बी सी आपका ट्रायंगल दे रहा है, इसमें एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री दे रहा है और एंगल सी इज इक्वल टू 44 डिग्री दे रहा है क्या 44 डिग्री, तो मेरे पास तो यहाँ से एंगल ए निकाल सकते हैं क्या, एंगल ए मेरा क्या होगा 64 हो जाएगा क्या, तो एंगल ए मेरा 64 होने वाला, उसके बाद क्या दे रहा है बीसी को प्रोड्यूस कर रहा है क्या, बीसी को प्रोड्यूस कर लेते हैं कहां तक मेरे पास तो डी तक बोल रहा है, तो डी तक क्या कर लेते हैं प्रोड्यूस कर लेते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ए का बाइसेक्टर एंड ए सी डी का बाइसेक्टर क्या, ए सी डी का बाइसेक्टर मेरा क्या दे रहा है बाइसेक्टर दे रहा है, बाइसेक्टर बोल रहा है कि ई पॉइंट पे मिलता है क्या मिलता है ई पॉइंट पे मिलता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ई सी, मेरे पास तो हम लोग इसका फॉर्मूला पर है बी ई सी का वैल्यू क्या होता है एंगल ए का हाफ होता है क्या, तो एंगल ए बाय क्या कर लेंगे टू कर लेंगे, तो एंगल ए क्या दे रहा है 64 64 बाय टू करेंगे तो आएगा क्या 32, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 32। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर,
मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। 7 में क्या दे रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले आपका एक ट्रायंगल एबीसी दे रहा है। क्या दे रहा है? एबीसी आपका एक ट्रायंगल दे रहा है। ए बी सी आपका एक क्या दे रहा है? ट्रायंगल दे रहा है। उसमें आपका दे रहा है पास तो AC = 8.4 दे रहा है। क्या दे रहा है? AC = 8.4 दे रहा है। BC = 14 दे रहा है। क्या दे रहा है? BC = 14 दे रहा है। P पॉइंट ऑन AB, AB पे एक पॉइंट आपका P दे रहा है। क्या दे रहा है? P दे रहा है। इस तरह से दे रहा है पास जो किया क्या कि CP = क्या दे रहा है? CP, CP को हमको मिलाना होगा तो CP = क्या दे रहा है? CP, CP = क्या दे रहा है पास तो 11.2 सेंटीमीटर दे रहा है। एंड एंगल ACP, ACP = एंगल B मींस ये दोनों एंगल आपका इक्वल दे रहा है। क्या दे रहा है? इक्वल दे रहा है। मान तो इसको अल्फा करेंगे तो ये मेरा क्या होने वाला? अल्फा होने वाला। अब मेरे पास तो बोल रहा है कि बीपी का वैल्यू क्या होगा? बीपी का वैल्यू पूछ रहा है। क्या मेरे पास तो बीपी का वैल्यू पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि बीपी को क्या कर लेते हैं? एक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मेरे पास तो एक्स कर लेते हैं। और इसको क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। अब मेरे पास तो क्या करते हैं? छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल किसको? ट्रायंगल एपीसी को सिमिलर करते हैं किसके साथ? बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ। अब मेरे पास तो ए, एक तो दोनों में मेरा क्या रहेगा? कॉमन ही रहेगा तो एक ए इक्वल होना होगा। पी, पी किसके इक्वल होगा? यहाँ पे बात करते हैं एंगल सी एंगल बी के इक्वल हो रहा है तो एंगल सी का एंगल क्या करते हैं? बी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? उसके बाद एक बच क्या रहा है? सी बच रहा है तो ए सी बी मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब मेरे पास तो जो जो मेरा वैल्यू दे रहा है उसी के बेसिस पे हम क्या करने वाले? सोल्व करने वाले। सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं पास तो पीसी का वैल्यू दे रहा है तो अगर इधर हम पीसी लिखते तो इधर हमको क्या सी भी लिख रहा होगा तो पीसी का वैल्यू क्या दे रहा है? 11.2 दे रहा है तो सी बी का वैल्यू क्या दे रहा है? 14 दे रहा है। अगर मेरे पास तो छोटा वाला ट्रायंगल में एसी का वैल्यू लिखते हैं, क्या करते हैं? एसी का वैल्यू लिखते हैं तो एसी का वैल्यू क्या? 8.4 दे रहा है। एसी किसके? एसी लिख रहे हैं क्या? तो इधर हमको क्या लिखना होगा? एबी, एबी का वैल्यू क्या दे रहा है पास तो एक्स प्लस वाई दे रहा है। क्या एक्स प्लस क्या दे रहा है? एबी, एबी का वैल्यू क्या दे रहा है? एक्स प्लस वाई दे रहा है। उसके बाद मेरे पास तो छोटा वाला ट्रायंगल में क्या करते हैं? पीए का वैल्यू लिखते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, अब क्या इसका वैल्यू एसी का लिखते, अब लिखते हैं एपी का वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे पास तो एपी, एपी किसके? अल्फा के सामने आ रहा है तो एपी, एपी इक्वल टू क्या? एपी क्या दे रहा है? बाय, तो बाय डिवाइडेड बाय क्या? एपी। अल्फा के सामने क्या रहा है? अल्फा के सामने क्या आ रहा है? एसी आ रहा है क्या? तो एसी में क्या हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहने पास तो एपी लिख रहे थे, इधर मेरा क्या होगा? एसी हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। मेरे पास तो हमको निकालना एक्स, तो क्या सबसे पहले हम बाय निकाल करके उसके बाद बाय इसमें पुट करके एक्स निकाल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे क्या? 1.214 डिवाइडेड बाय क्या? बाय 0.8.4 बार 14 डिवाइड होता हो सकता है क्या? तो इसको क्या 0.8 बार में कैंसिल कर लेंगे तो 22 कर दूं क्या? 8.4 मल्टीपल 0.8 आ रहा है क्या? अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? इधर तो इसको कैंसिल करेंगे तो 0.8 आएगा। क्या आएगा? 8.4 डिवाइडेड बाय क्या? अब बाय एक्स प्लस बाय, बाय का वैल्यू रेफरेंस तो क्या आ रहा है? 8.4 मल्टीपल 0.8 आ रहा है क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0.8x आएगा प्लस 8.4 मल्टीपल 0.8 मल्टीपल 0.8 इक्वल टू क्या? 8.4 आएगा क्या? सबको उधर ला सकते हैं तो 0.8x इक्वल टू क्या? 8.4 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? 8.4 कॉमन लेंगे तो 64 1 माइनस 0.64 आ रहा है क्या? अब क्या करते हैं 0.8 एक्स इक्वल टू क्या 8.4 और इसको माइनस करेंगे तो मेरा तो क्या आएगा? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.63 आएगा क्या? अब यहां से क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी मेरा एक्स का वैल्यू होगा वही मेरा क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। आई थिंक यहां से आप लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा। आप इसको खुद से यहां से कर सकते हैं कि आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। दे रहा है क्या 2x² + y² + 8z² - 2√2xy4√2 बाई जेड माइनस 8z(x) का वैल्यू दे रहा है क्या? ए एक्स प्लस वाई प्लस बी जेड का होल स्क्वायर, तो बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या हो? यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस bc माइनस 2ca का वैल्यू दे रहा है क्या? तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं रूट टू एक्स का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको क्या बाय स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिखेंगे प्लस? तो इसको लिख सकते हैं 2√2z का क्या होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद इधर क्या दे रहा है 2√2xy माइनस प्लस 4√2yz माइनस 8zx। अब मेरे पास तो किसको हमको माइनस करना होगा, किसको हमको प्लस करना होगा? अब मेरे पास तो यहाँ पे देख रहा है एक्स बाय में मेरा माइनस दे रहा है, बाय जेड में मेरा माइनस नहीं दे रहा, एक्स वाला माइनस दे रहा है। तो मींस क्या एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको माइनस में कर ले क्या? तो एक्स वाला कोफिशिएंट को माइनस कर लें, क्या कर लेंगे? एक्स वाला कोफिशिएंट को माइनस कर लें तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? रूट टू एक्स प्लस बाय प्लस 2√2z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? ax प्लस y प्लस bz का होल स्क्वायर। अब मेरे पास तो यहां से इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो x a इक्वल टू क्या आने वाला?
रूट टू हो जाएगा क्या? उसके बाद बी, इसका बाई का वैल्यू लिख दे रहा है, बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू टू रूट टू हो रहा है क्या? अब ए का वैल्यू यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं क्या, माइनस टू है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस में रूट टू होने वाला। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या, अब इसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो इसका स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर, तो दो दूनी चार, चार दूनी क्या, आठ हो रहा है क्या, तो इसका आठ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, टू रूट टू मल्टीपल टू रूट टू, तो दो दूनी चार, तो आठ चार बारह, बारह दो क्या आ रहा है, चौदह आ रहा है क्या, मेरा आंसर क्या होने वाला, चौदह। आई थिंक यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का बात करते हैं। नाइन में क्या दे रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 टू 800 व्हिच आर नीदर डिविजिबल ऑफ 5 नॉट 7। बोल रहा है पास, तो 200 से 800 तक कितना ऐसा नंबर है जो कि ना तो 5 से डिविजिबल है ना तो 7 से डिविजिबल है। मेरे पास तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का डिविजिबल वाला नंबर निकालेंगे, 7 का डिविजिबल नंबर निकालेंगे और दोनों का मल्टीपल वाला निकालेंगे, और क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का मल्टीपल वाला माइनस करेंगे टोटल नंबर में। तो मेरे पास तो अगर जो मैं पूछ सकता है टोटल डिविजिबल ऑफ नंबर क्या होने वाला है, तो टोटल नंबर में क्या करेंगे, टोटल नंबर में माइनस कर लेंगे, किसको करेंगे, मेरे पास तो 5 का डिविजिबिलिटी वाला को माइनस करेंगे, प्लस क्या 7 का डिविजिबिलिटी वाला को माइनस करेंगे, प्लस क्या कितना सारा नंबर आ रहा है दोनों का मल्टीपल क्या माइनस करेंगे, दोनों का मल्टीपल मींस क्या 35 का डिविजिबल माइनस कर लेंगे, तो इतना ही सारा मेरा क्या होगा टोटल नंबर आ जाएगा क्या। तो अब बात रहा कि 5 का डिविजिबिलिटी का रूट किस तरह से 5 का नंबर हम निकालते हैं, तो 5 का नंबर निकालते हैं, 5 से डिविजिबल नंबर निकालते हैं, तो क्या करेंगे पहले तो 800 तक में हमको लेना, तो 800 में हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, और मेरे पास तो क्या करना होगा 200 से 800 तो हमको कंसिडर करना होगा, लेकिन मेरे पास तो 1 से लेकर के 199 तक हमको छोड़ना होगा क्या, यहाँ से हमको 200 तक तो कंसीडर करना है, लेकिन 1 से लेकर के 199 तक का नंबर हमको क्या करना होगा छोड़ना होगा, तो 199 में हम लोग क्या कर लेंगे पांच को डिवाइड कर लेंगे, तो 199 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे 16 5 80 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 पैनमा 45, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या 121 आ रहा है क्या, उसी तरह 7 का डिविजिबिलिटी निकालेंगे, क्या करेंगे 7 का डिविजिबिलिटी, तो 800 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे माइनस 199 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे पास को 7 कर लेंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 × 7 = 7 28 आ रहा है क्या, 7 × 7 = 7 हाथ में रहेगा 3 28 हो जाएगा, उसके बाद इसको 7 × 2 = 14 तो हो रहा, उसके बाद 7 × 8 = 56 हो रहा है क्या, इसको माइनस करेंगे तो 8 × 6 = 14 और क्या हो रहा है 8 × 2 = 86 आ रहा है क्या, तो इसका वैल्यू 86 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 35 का डिविजिबिलिटी का रूल निकालते हैं क्या, 35 का कितना नंबर मेरा डिविजिबल होगा, तो 35 का क्या 800 / 35 − 199 / 35 कर लेंगे, अब इसको डिवाइड करते तो 35 × 2 = 70, उसके बाद हाथ में कितना रहेगा 1 70 10 रहेगा तो 110, तो फिर से 35 × 70 ही रहेगा, 35 × 105 ज्यादा होने वाला है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 35 × 5 आ रहा है क्या, तो इसको क्या आ रहा है टोटल 17 आ रहा है, तो टोटल इतना आ रहा है। अब मेरे पास तो बात रहा क्या टोटल नंबर हमको किस तरह निकालना होगा, तो 200 से लेकर के 800 तक टोटल नंबर क्या होगा, तो टोटल नंबर मेरे पास तो ऊपर हमको इरेज कर रहे हैं, तो 200 से लेकर 800 तक टोटल नंबर क्या होगा, तो क्या करते हैं पास तो 800 − 200 + 1 करते हैं क्या, तो आएगा क्या 601 आ रहा है क्या, तो 601, तो मेरा आंसर क्या आने वाला 601 − 121 + 86 − 17 कर लेंगे क्या, यही तो हम लोग करने वाले, तो आएगा क्या 601, इसको करेंगे तो क्या आ रहा है 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 190 आ रहा है क्या, तो 190 हम लोग माइनस करेंगे, तो 190 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है पास तो 411 आ रहा है क्या, तो आ जाएगा मेरा आंसर क्या 411, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है 411 आने वाला। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा 10 होगा क्या। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। 10 में आपका क्या कर रहे हैं, दो सर्कल ऑफ रेडी 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड एबी। आप लोग मेरे पास तो दो सर्कल दे रहा है, क्या दे रहा है, ए बी से दो सर्कल दे रहा है और दोनों क्या कर रहा है ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एक कॉमन टेंजेंट क्या बन रहा है, कॉमन कॉर्ड ए भी बन रहा है, और मेरे पास तो इसका सेंटर का बीच का डिस्टेंस दे रहा है, क्या दे रहा है 10 दे रहा है, क्या दे रहा है 10 दे रहा है, तो और इसका एक रेडियस 7 दे रहा है, इसका रेडियस क्या दे रहा है 5 दे रहा है। अब मेरे पास तो अगर एक को हम हाइट एच कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या दोनों इक्वल होगा क्या, ये भी हाइट है जो होगा, तो अगर ए भी निकालना होगा तो ए बी इक्वल टू क्या 2h हमको निकालना होगा क्या। अब h दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास तो एक को x कर लेते हो तो ये मेरा क्या होने वाला 10 − x हो जाएगा क्या, तो 10 − x यहाँ पे हाइट निकालेंगे तो हाइट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा
हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा क्या? अब इस ट्रायंगल में हाइट का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा क्या? अब दोनों को यहां से क्या करते हैं, पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आएगा क्या 49 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12 तो क्या हो जाएगा प्लस 20x हो जाएगा क्या x स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ से 20x इक्वल टू क्या होगा 75 प्लस 49 तो 75 प्लस 49 124 आ रहा है क्या तो 124 हो जाएगा तो x इक्वल टू आएगा मेरे पास तो इसको 2 से अगर जो कैंसिल कर देगा 2 से कैंसिल कर तो 6 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा 62 बाय 10 आ रहा है क्या। अब यहाँ से हम h का वैल्यू निकालते हैं तो h स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रहा है मेरे पास तो 7 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x का वैल्यू क्या दे रहा है 62 बाय 10 का होल स्क्वायर कर लेंगे क्या। अब मेरे पास तो h का क्या अंडर रूट करेंगे। अब मेरे पास तो इसको करते हैं क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो क्या होगा a प्लस b क्या a प्लस b इंटू ए माइनस बी होने वाला है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे 10 एलसीएम लेंगे 10 एलसीएम तो 10 एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या 10 बाहर हो जाएगा क्या 70 प्लस क्या आएगा 62 आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है 70 माइनस 62 क्या आएगा 8 आएगा क्या। अब इसको सोल्व करते हैं पास तो सोल्व करेंगे तो होगा क्या यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या होगा 70 प्लस 62 क्या होगा यहाँ पे 2 होगा 6 दूनी 12 13 132 हो रहा है क्या इंटू आठ डिवाइडेड बाय क्या 10 होने वाला। अब मेरे पास तो इसको क्या 2 के फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं क्या 66 मल्टीपल 2 तो आएगा क्या 16 16 का स्क्वायर रूट 4 4 बाय 10 अंडर रूट क्या आ रहा है 66 आ रहा है इसी का 2 टाइम्स करेंगे क्या तो करेंगे क्या 2 टाइम्स 4 बाय 10 इनटू क्या 66 तो 2 से क्या 5 बार में कैंसिल तो 4 रूट 66 बाय क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो 4 रूट 66 बाय क्या 5 तो आई थिंक आंसर नंबर क्या हो गया सेकंड। आई थिंक आप लोग समझ गए कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे ताकि आपका कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ चलते हैं नेक्स्ट पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दे रहा है इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 दे रहा है थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच दे रहा है तो वैल्यू पूछ रहा है cot स्क्वायर 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। मेरे पास तो जब भी 2 थीटा के फंक्शन में आपको आंसर देता है तो हम क्या करेंगे थीटा का वैल्यू पुट करके क्या करने वाले सैटिस्फाई करने वाले तो थीटा का क्या वैल्यू पुट करेंगे ताकि मेरा इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। अगर 45 डिग्री करेगा तो 7 बाय 2 आएगा 3 बाय 2 तो 10 बाय 2 आएगा तो 6 आएगा क्या नहीं आएगा। तो अगर मान रहे थे 30 डिग्री पुट करते तो मैंने तो 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आने वाला 30 cos 30 क्या होता है रूट 3 बाय 2 होता है क्या तो 3 बाय 4 हो जाएगा तो 21 21 बटा 4 हो जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा 3 cos sin 30 क्या 1 बाय 2 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 तो 3 बाय 4 हो जाएगा क्या तो 4 एलसीएम आएगा तो 24 बाय 4 क्या 6 आ रहा है क्या तो 30 का वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे तो 30 cos 30 क्या होता है cos 30 मल्टीपल 2 तो क्या cos 60 क्या होता है 1 बाय रूट 3 तो 1 बाय रूट 3 करेंगे तो 1 बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस sec 30 sec 60 क्या होता है cos 60 क्या होता है 1 बाय 2 होता है तो sec 60 क्या होगा 1 बाय 2 मींस क्या 4 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय tan 60 क्या होता है रूट 3 होता है तो इसका वैल्यू 3 होगा माइनस cos sin 60 क्या होता है 2 बाय रूट 3 होता है क्या होता है मेरे पास तो रूट 3 बाय 2 तो रूट 3 बाय 2 हो रहा है क्या हो रहा है रूट 3 बाय 2 तो 3 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या 12 12 13 13 मल्टीपल 4 करेंगे तो क्या आएगा 52 आएगा क्या और उसके बाद क्या 12 माइनस 3 तो 9 मल्टीपल 3 करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा तो 52/7 तो 52/7 क्या दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या दे रहा है बोल रहा है cos 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री इंटू क्या sec 9 डिग्री प्लस क्या cosec 81 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 और 2 sin स्क्वायर 27 है। इसमें हम लोग करते हैं क्या एंगल को सेम करते हैं तो मेरे पास तो क्या कर सकते हैं इसको cos को क्या cos 9 डिग्री क्या लिख सकते हैं sin 81 लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 81 डिग्री लिख सकते हैं क्या sin 81 प्लस sin 81 आ जाएगा। उसके बाद क्या sec को क्या cosec 81 लिख सकते हैं क्या तो cosec 81 प्लस क्या cosec 81 हो जाएगा मेरा और नीचे क्या मेरे पास तो यहाँ पे cos और दे रहा है यहाँ पे cos दे रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे क्या sin तो क्या sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 63 लिख सकते हैं क्या तो इसको करेंगे क्या cos स्क्वायर 63 डिग्री प्लस क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे हमारे पास तो 2 sin 81 प्लस 2 क्या आ रहा है cos 81 नीचे क्या आ रहा है 2 इंटू इसका वैल्यू क्या 1 प्लस 1 आ रहा है क्या और sin और cosec क्या होता है सॉरी क्या आएगा cosec आएगा cosec 81 sin और cosec क्या होता है जिसका अगर रेसिप्रोकल तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 2 मल्टीपल 2 4 4 बाय क्या हो जाएगा 3 तो 4 बाय 3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या 13 की ओर।
मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। 13 में क्या दे रहा है, 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, वेयर एज 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन कंप्लीट इट 7 डेज, हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 25 वुमेन टू कंप्लीट 2 होल 1/2 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 डेज। पहले क्या बोल रहे हैं, तो 4 मैन क्या, 4 मैन और 6 वुमेन जो किसी काम को बोल रहा है कि 5 डेज में कंप्लीट करता है, सेम काम को बोल रहा है कि 3 मैन और 4 वुमेन जो कितना दिन में, 7 डे में कंप्लीट करते हैं। यहां से मैन और वुमेन का रेशियो लिख सकते हैं क्या, तो होगा क्या 5×20 = 27, तो 1 मैन इक्वल टू क्या आ रहा, 6×25 = 28, 2 वुमेन आ रहा है क्या, मींस क्या मैन इज टू वुमेन क्या आ रहा है 2:1 आ रहा है क्या, 2:1। अब यहां से टोटल काम लिखते हैं, तो एक आदमी, अब एक चार आदमी टोटल, एक आदमी एक दिन में कितना दो काम करता है, तो चार आदमी एक दिन में कितना करेगा, 4×8 काम करेगा क्या, 4×8 प्लस 6+1, एक वुमेन एक दिन में एक काम करते हैं, तो 6 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, टोटल कितना 5 क्या दिन में खत्म करते हैं, तो टोटल काम मेरा ही होने वाला क्या। और इसका बोल रहा है कि 2×1/2 टाइम्स काम क्या, 2×1/2 टाइम्स मीन क्या, 2×2=4, 5/2 दो काम को क्या, इसका 5/2 टाइम्स काम को बोल रहा है कि 15 वुमेन के साथ कितना आदमी को लगाया जाए, तो 25 वुमेन एक दिन में, एक वुमेन कितना काम करते है? एक काम करते, तो 25 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे, बोल रहा है इसके साथ कितना मैन को लगाया जाए, तो एक दिन में एक आदमी एक दिन में कितना काम करते है? दो आदमी, मान लेते हैं इसके साथ एक्स मैन को लगाते, क्या करते हैं एक्स मैन को, जो कि बोल रहे कि काम को 5 डेज में क्या करने वाला, फिनिश करने वाला। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है क्या, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 8×6=14, 14 इसको क्या करते हैं 7 बार कैंसिल होगा, 7×5=35, 35 - 25 करेंगे तो 10=2x, तो x इज टू क्या आएगा 5, तो 5 मैन रहेगा, क्या रहने वाला है 5 मैन। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, अब चलते हैं नेक्स्ट। गाइस तो क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं, 14 में आपका क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 इयर्स, बोल रहा है कुछ नंबर ऑफ अ स्टूडेंट का एवरेज जो है 35 कैलकुलेट किया, which was 2.5 years more than the correct average as there was an error in recording the age of two persons at 38.5 years and 40 years instead of 29 years and 22 years respectively, the number of person in the group was, बोल रहा है क्या उसका एवरेज जो है 35 ना हो करके क्या 2.5 और ज्यादा होता, क्यों, क्योंकि गलती से क्या किया 38.5 कैलकुलेट करना था लेकिन गलती से 29 कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे उसको 40 कैलकुलेट करना था लेकिन गलती से 22 कैलकुलेट किया, तो बोल रहा है स्टार्टिंग में ग्रुप में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट था मेरे पास, तो यहाँ पे देख रहे हैं एवरेज मेरा कितना से बढ़ रहा है, 2.5 से एवरेज बढ़ रहा है क्या, तो एवरेज मेरा 2.5 से बढ़ रहा है, इधर भी हम एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना एवरेज से बढ़ना चाहिए था एग्जैक्ट, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना था 38.9, कैलकुलेट किया क्या 29, तो कितना कम कैलकुलेट किया, तो 9.5 कम कैलकुलेट किया, तो 9.5 उसको क्या और ऐड करना चाहिए था, प्लस क्या यहाँ पे 40 कैलकुलेट किया, करना चाहिए था 22 लेकिन क्या 40, तो कितना कम क्या है पास, तो 18 क्या है कम क्या 18, इसी को क्या करना होगा, इधर हम टोटल एवरेज ना निकाल रहे पास, तो इधर भी हमको क्या करना होगा एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करते हैं डिवाइड करते, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको पता नहीं, तो एक्स से क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा इसको ऐड करेंगे, तो 9×3=27 आ रहा क्या, तो 27.5 डिवाइडेड बाय क्या 25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 11 और कैंसिल हो रहा है क्या, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आई थिंक क्या होने वाला 11 आने वाला। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बस, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं, 15 का क्या दे रहा, द सम ऑफ 8,000 rupees इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अमाउंट टू 9,261 rupees इन अ सर्टेन टाइम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल द सीआई ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट डबल रेट इंटरेस्ट द व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, मेरे पास तो क्या दे रहा है यहाँ पे आपका अमाउंट दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, अब बोल रहा है कि रेट दे रहा है 10% के रेट से, कितना साल में बोल रहा है कि इतना रुपीज हो जाएगा, तो हमको क्या हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो वहां पे हमको क्या करना है टाइम कैलकुलेट करना है, जब भी मेरे पास तो टाइम और रेट कैलकुलेट करना रहेगा, तो सबसे पहले हम रेशियो करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखेंगे, क्या दे रहा है 8,000 दे रहा है और यहाँ पे क्या दे रहा है 9,261 दे रहा है क्या, अब यहाँ पे या तो मेरा क्यू होगा या तो स्क्वायर होगा, हमेशा क्यू और स्क्वायर में ही होने वाला है, तो यहाँ पे देखते हैं 20 का क्यू हो रहा है क्या, तो यहाँ पे जब 20 का क्यू हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा 21 का क्यू हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे टाइम निकल जाएगा क्या, टाइम क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो टाइम मेरा 3 इयर्स हो रहा है,
अब बोल रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, क्या करना है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में टाइम मेरा क्या हो जाएगा, इसी का हाफ हो जाएगा क्या, तो हाफ हो जाएगा मीन्स का वन होल वन बाय टू ईयर्स हो जाएगा क्या, तो वन होल वन बाय टू ईयर्स। अब बोल रहा है कि इस पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम टाइम पे सिर्फ हमको रेट बोल रहा है कि डबल है, तो रेट मेरा स्टार्टिंग में 20-10 था, तो अब डबल रेट पे क्या 10-20%, तो मेरे पास तो एक साल का निकालेंगे तो क्या 20% आ जाएगा क्या। अब हाफ साल का क्या होगा, तो हाफ साल का मेरे पास तो क्या आने वाला है 10 आने वाला है क्या, तो हाफ साल का मेरा क्या आएगा 10 आएगा। इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, मीन्स का 20% और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स का 20 + 10 + 20 × 10 / 100 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं सी आई, तो सी आई क्या 8000 पे हमको निकालना, तो सी आई 8000 मेरा प्रिंसिपल दे रहा है, तो प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपल से करेंगे, हमको सी आई निकालना, तो क्या कर लेंगे 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 × 8 = 24 + 25, तो 2500 कितना आ जाएगा 60 रुपए। आई थिंक यह क्वेश्चन सिंपल था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं, 16 में क्या दे रहा है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड सी सेल्स इट टू डी लॉस ऑफ 8%, इफ डी वाज इट 248.4 rupees, then what is the difference between the loss incurred by A and C? अब यहाँ से थोड़ा सबसे पहले इसका रेशियो लिखते हैं, A का, B का और C का और क्या D का। अगर मेरे पास तो A 100 rupees में खरीदता, तो A बोल रहा है कि 20% loss पे B को बेचता, तो 100 rupees में खरीद रहा है, 20% loss पे बेच रहा है, तो बेच कितना रहा, 80 rupees में बेच रहा है। उसके बाद मेरे पास तो B जो है C को 12.5% प्रॉफिट में बेच रहा है, 12.5% इसको लिख सकते हैं क्या मेरे पास, तो 1/8 लिख सकते हैं क्या, तो 1/8 में प्रॉफिट में बेचेगा, मीन्स क्या अगर जो 8 फर्म खरीद करके ला रहा था 1 रुपया प्रॉफिट लेगा, तो बेचेगा कितना 9 रुपए 9 9 8 रुपीज, तो 80 काटे कर लेते हैं 9/8 निकाल देते, कितना आ रहा है आपका 90 रुपीज आ रहा है क्या। उसके बाद डी को बोल रहा है कि सी सेल्स इज डी 8% लॉस, अब डी को सी जो 8% लॉस पे बेचता है, तो 90 रुपीज में खरीद करके ला रहा था, 8% लॉस में बेचेगा, तो बेचेगा कितना में 92 रुपीज में बेचेगा। अब क्या आ रहा है 9 × 18 = 9 81 82 = 82.18 क्या। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है डी इतना खरीद रहा है, तो डी का कितना आ रहा है 82.8 आ रहा है क्या। अब क्या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करते हैं, उसके बाद क्या 3 बार में कैंसिल हो रहा है क्या, तो आपका आ रहा है 3। अब पूछ क्या रहा है फर्स्ट, तो बोल रहा है क्या ए और सी को कितना लॉस हुआ, तो ए को कितना लॉस हुआ, उसका डिफरेंस ए 100 रुपए में खरीद करके ला रहा था, 80 रुपए में बेच रहा है, तो कितना लॉस हो रहा है 20 का लॉस हो रहा है क्या, तो ए को 20 का लॉस हो रहा है, सी को कितना लॉस हो रहा है 90 रुपए में खरीद करके लाया, 82.8 रुपए में बेचता, तो कितना का लॉस हो रहा है इसको 7.2 का हो रहा है क्या, तो अब दोनों का डिफरेंस बोल रहा है क्या, दोनों का डिफरेंस, तो 7.2 का क्या कर लेते हैं डिफरेंस कर लेते हैं, तो 2 आ रहा है यहाँ पे क्या रहा है 7 और 2 9 आ रहा है 12.2, तो 12 कितना आ रहा है 8 आ रहा है क्या, तो इसको कितना मल्टीप्लाई कर लेता है 12.8 से, तो 38 = 24 / 12 = 36 / 36 = 37 / 38, तो 38.4 रुपए का क्या हो जाएगा उसको, जो भी होगा उसको क्या डिफरेंस हो जाएगा उसका। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या दे रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या होने वाला है। मेरे पास तो यहाँ पे क्या दे रहा है एमपी क्या दे रहा है, सबसे पहले मेरा सीपी दे रहा है, अगर मेरा सीपी 100 रुपीज रहता तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस 8% मोर रहता है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है 8% मोर रहने वाला, मीन्स क्या 108 रहने वाला है। उसके बाद मेरे पास तो बोल रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 10% का, मेरे पास तो डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, तो 108 रुपीज में बेच रहा है, कब बेच रहा है प्राइस, तो जब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मीन्स क्या 90 रुपीज में बेच रहा है, अगर 10% का डिस्काउंट ना देता तो बेचता कितना 100, तो एमपी उसका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 9 + 9 = 9 क्या 18, तो 120 आ रहा है क्या, तो बोल रहा है कि सीपी और एमपी का रेशियो तो 100:2 क्या हो जाएगा 120, तो आप क्या रहा है 5:6, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5:6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं। और मेरे पास तो अगर किसी भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास तो आज का लास्ट क्वेश्चन का बात करते दे रहा है क्या, ए बी एंड सी डोनेट 8%, 7% and 9% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टली ऑफ द चैरिटी ट्रस्ट, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर द सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन 259 रुपीज, द टोटल डोनेशन ए एंड बी इज 1185 रुपीज मोर देन दैट ऑफ सी, द टोटल डोनेशन ए एंड बी व्हाट परसेंट
परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी जो ए एंड बी, मेरे पास तो सबसे पहले ए और बी का सैलरी का बात कर रहा है क्या, ए बी और सी का सैलरी का बात कर रहा है। अगर ए का सैलरी 100 रुपीज मानते तो बी का भी क्या होने वाला, 100 रुपीज होने वाला। अब इसका डोनेशन बोल रहा है, डोनेशन बोल रहा है ए 8% कर रहा था 8 रुपीज करेगा, बी 7% कर रहा है 7 रुपीज कर रहा है। मान लेते सी का डोनेशन का तो हमको पता नहीं, तो सी का मेरे पास तो डोनेशन कहां से निकलेगा। मान लेते इसका डोनेशन एक्स कर लेते, और यहाँ पे 259 क्या दे रहा है, दोनों का डोनेशन का डिफरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, दोनों का डिफरेंस दे रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रहा है, 259। अगर और डिफरेंस का कंपेयर डिफरेंस से कर लेते, अगर ए का डोनेशन निकालना रहेगा तो ए का डोनेशन क्या 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 का डोनेशन निकल जाएगा क्या। अगर बी का डोनेशन निकालना है तो 259 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीपल क्या कर लेंगे 7, तो बी का डोनेशन निकल जाएगा क्या। उसके बाद यहाँ पे 1151 क्या दे रहा है, ए का डोनेशन प्लस बी का डोनेशन माइनस सी का डोनेशन 1185 दे रहा है। अब ए का डोनेशन कितना रहा है, दोनों का 259 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 259 डिवाइडेड बाय क्या 8 + 7 माइनस सी का डोनेशन एक्स इक्वल टू 1185 कर लेते हैं क्या। यहाँ से एक्स का डोनेशन निकालेंगे तो एक्स का यहाँ से भले निकालने पास तो एक्स का आएगा क्या 2700 रुपया आएगा, क्या आएगा 2700 रुपया। तो यहां से हम ए का क्या कर लेंगे, डोनेशन निकालेंगे, ए का डोनेशन आपका 2700 रुपया आ गया मेरे पास। तो अब बात करते हैं क्या, ए का डोनेशन तो मेरा 2700 आ गया, 2700 क्या दे रहा है मेरे पास, तो इसका सिर्फ 9% दे रहा है, क्या दे रहा है सी का 9%। तो सी का सैलरी क्या होगा, सैलरी सी का तो 27 डिवाइडेड बाय इतना क्या 9 इंटू क्या 100 कर लेंगे क्या, तो आएगा क्या 29 27 आने के क्या मेरे पास तो 30,000 आ रहा है क्या, तो सी का सैलरी 30,000 आएगा। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या, ए का सैलरी कहां से निकालेंगे, बी का सैलरी कहां से निकालेंगे, ए का सैलरी क्या होने वाला है, ए का सैलरी, तो ए का सैलरी का बात करते हैं, डोनेट कितना कर रहा है, इतना रुपये ने डोनेट कर रहा है मेरे पास, तो कितना कर रहा है 259 मल्टीपल 8 रुपीज डोनेट कर रहा है, कितना परसेंट है, सिर्फ 8% है क्या, 8 मल्टीपल क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे क्या, तो ए का सैलरी निकल जाएगा, ए का सैलरी क्या आ जाएगा 25900। आई थिंक यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, यस। तो यहां से हम लोग क्या किए, ए का सैलरी निकाल रहे, तो ए का सैलरी इतना रुपया आ रहा है, ये तो मेरा क्या आएगा बी का सैलरी आ जाएगा क्या, ए और बी का मेरा सैलरी निकाल गया। अब मेरे पास तो पूछ क्या रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परसेंटेज, तो बोल रहा है क्या ए और सी का डोनेशन, ए और सी, ए कितना डोनेट करना 259 मल्टीपल ए डोनेट कर रहा है, सी कितना कर रहा है 2700 कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी क्या ए प्लस बी का सैलरी, तो ए का सैलरी क्या 2259 00, इसको मल्टीपल कर लेते 2 से, तो बी का भी सैलरी निकल जाएगा क्या। अब प्लस क्या कर लेंगे सी का सैलरी, सी का सैलरी कितना है 30,000 आ रहा है, तो इसको क्या कर लेते हैं 30,000 मल्टीपल क्या कर लेते हैं 100%, यही तो आपका पूछ रहा है। तो यही किसी को कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या आएगा 5.8 आएगा। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, और मेरे पास तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।